जय स्वामीनारायण। इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा दे रहे पूज्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, महंत श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी, पूज्य धर्मवल्लभ स्वामी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को जय स्वामीनारायण। पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से राजकोट गुरुकुल के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। इसके योगदान और भी अप्रतिम होंगे। साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। ये सुयोग है कर्मठता और कर्तव्य के सुयोग, ये सुयोग है संस्कृति और समर्पण के सुयोग, ये सुयोग है अध्यात्म और आधुनिकता के सुयोग। जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैभव और हमारा महान गौरव को पुनर्जीवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिकता के दबाव में सरकारें उस दिशा में बढ़ी नहीं और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्थितियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचार्यों ने देश के प्रति इस कर्तव्य को निभाने का बीड़ा उठाया। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी सुयोग का एक जीवंत उदाहरण है। आजादी के तुरंत बाद भारतीय मूल्यों और आदर्शों की नींव पर इस आंदोलन को, इस संस्थान को निर्मित किया गया।
पूज्य धर्म जीवन दास जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो विजन था, उसमें अध्यात्म और आधुनिकता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था। आज वो विचार बूझ, वो विचार बीज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैं गुजरात में आप सबके बीच में ही रहा हूं, आपकी के बीच में पला बड़ा हूं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस वटवृक्ष को आकार लेते हुए अपनी आंखों से करीब से देखने का सुअवसर मिला है। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनिया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठान की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। अध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। और गुरुकुल की एक विशेषता हम सब जानते हैं और आज के युग में हर किसी को वो प्रभावित करती है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठिन काल में भी और आज भी ये गुरुकुल एक ऐसा संस्थान है जो हर गरीब छात्र से शिक्षा के लिए एक दिन का केवल 1 रुपया फीस लेता है। इससे गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है। इसलिए जिस कालखंड में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी, तब भारत को भारत भूमि के गुरुकुलों से जाना जाता था। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, ज्ञान का कुल। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे।
आज हम भारत के कण कण में जो विविधता देखते हैं, जो सांस्कृतिक समृद्धि देखते हैं, ये उन्हीं शोधों और अन्वेषणों के परिणाम है। आत्म तत्व से परमात्म तत्व तक, अध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से सोलर साइंस तक, मैथ से मेटलर्जी तक और शून्य से अनंत तक हमने हर क्षेत्र में शोध किए, नए निष्कर्ष निकाले। भारत ने अंधकार से भरे उन युगों में मानवता को प्रकाश की वो किरणें दी जिनसे आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्रा शुरू हुई। और इन उपलब्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रशस्त किया, जिस कालखंड में विश्व में जेंडर इक्वलिटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियां शास्त्रार्थ करती थी, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ ही आत्रेय भी पढ़ रही थी। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत काल में इस संस्थान की शानदार उपलब्धि होगी और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। साथियों, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत के उज्जवल भविष्य में हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन पॉलिसी, हम हर स्तर पर अधिक गति से, अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं। आज देश में बड़े शैक्षिक संस्थानों IIT, IIIT, IIM, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। जब नई पीढ़ी बचपन से ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था में पलेगी और बढ़ेगी, तो देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण भी स्वतः होता चला जाएगा। यही आदर्श नागरिक, आदर्श युवा 2047 में, 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर के जाएंगे। और इसमें निश्चित तौर पर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जैसे शिक्षा संस्थानों का प्रयास बहुत अहम होगा। साथियों, अमृत काल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में
आप संतों का आशीर्वाद और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में और भारत के संकल्प भी नए हैं, उन संकल्पों की सिद्धि के प्रयास भी नए हैं। आज देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक बदलाव और समाज सुधार के इन कार्यों में भी सबका प्रयास करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। मुझे विश्वास है स्वामीनारायण गुरुकुल, विद्या प्रतिष्ठानम जैसे संस्थान इस संकल्प यात्रा को इसी तरह ऊर्जा देते रहेंगे। और जब मैं आज आप सब संतों के बीच में आया हूं, 75 साल की एक बहुत बड़ी यात्रा जिसे आपने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, अब इसका विस्तार देश के युवाओं के लाभ में भी होना चाहिए। क्या मैं स्वामीनारायण गुरुकुलों से आज एक प्रार्थना कर सकता हूं? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, आप तय करें कि हर वर्ष कम से कम 100 युवक 15 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, 15 दिन वहां जाना, वहां युवकों से मिलना, उनसे परिचय बढ़ाना, वह की चीजों को जानना, आकर के उसके ऊपर लिखना। हर वर्ष कम से कम 150 युवक 15 दिन के लिए वहां जाएं। आप देखिए 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाइयों में इस यात्रा को आरंभ किया होगा। आपको वहां जाकर के लिखेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है तो देश के लिए वो एक नई ताकत जुड़ जाएगी। आप कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से क्या हमारे संत समुदाय में मुझे याद है जब बेटी बचाओ अभियान हम कर रहे थे तो छोटी छोटी बालिकाएं मंच पर आकर के 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का बड़ा हृदय द्रावक और बड़े अभिनय के साथ भाषण करती थी, सारे ऑडियंस को रुला देती थी। और वो कहती थी, मां के गर्भ में से वो बोलती थी कि मां मुझे मत मारो, भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व तो हमारी बेटियों ने गुजरात में किया था। क्या हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी धरती माता के रूप में लोगों को संबोधित करें कि मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारे लिए अन्न फल फूल सब पैदा करती हूं, मुझे मत मारो, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये दवाइयां, मुझे उसे मुक्ति दो। और प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित करने के लिए किसानों के बीच में मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी इस प्रकार से स्ट्रीट प्ले करे, शेरी नाटक करे। बहुत बड़ा अभियान गुरुकुल हमारे चला सकते हैं।
और मुझे खुशी है कि गुजरात के हमारे गवर्नर श्रीमान आचार्य देवव्रत जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा अभियान चला है। आप भी जैसे मनुष्य को व्यसन से मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, वैसे ही धरती माता को इस प्रकार के जहर से मुक्ति का प्रण लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि गुरुकुलों में जो लोग आते हैं वो मूल गांव से किसानी परिवार से आते हैं, उनके माध्यम से बात बड़ी सरलता से पहुंच सकती है। तो आजादी के इस अमृत काल में हमारे गुरुकुल, हमारे संस्कारित शिक्षित युवक उज्जवल भविष्य के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए अनेक नए विचारों, आदर्शों, संकल्पों को लेकर के चल सकते हैं। और मुझे विश्वास है स्वामीनारायण परंपरा की मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा है कि स्वामीनारायण परंपरा में जब भी मैं आपसे मिला हूं, जो भी मांगा है आप सबने पूरा किया है। आज जब मैं इन चीजों को मांग रहा हूं, मुझे विश्वास है आप भी इसको पूरा करेंगे और गुजरात का नाम तो रोशन होगा ही होगा, भावी पीढ़ी का जीवन आसान होगा। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।